राजस्थान में इन दिनों राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल काफी तेज हो गई है। आपको जानकारी देते चले कि राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में 80 से ज्यादा विधायक उदयपुर के एक होटल में डेरा जमाए हुए हैं। मीडिया खबरों की माने तो परसादी लाल मीणा, वी डी कल्ला, ममता भूपेश और सुरेश टॉप और कुछ निर्दलीय विधायकों समेत कई मंत्री उदयपुर के होटल में मौजूद हैं। मिली जानकारी के अनुसार कांग्रेस को डर है कि कहीं भाजपा विधायकों की खरीद फरोख्त ना कर ले, इसलिए पार्टी ने अपने विधायकों को एक जगह रखने का फैसला किया है। बीते रोज लगभग 2:30 बजे 40 से अधिक विधायकों को लेकर एक बस होटल पहुंची। इस गुरुवार शाम विधायकों के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आवास से निकली थी। इसके बाद ये बस भीलवाड़ा में रुकी, जहां राज्य के राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने रात्रि भोज की मेजबानी की। फिलहाल खबर मिली है कि पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, राज्यसभा सीट के लिए 3 उम्मीदवारों में से एक प्रमोद तिवारी समेत कई विधायकों के साथ हवाई जहाज से उदयपुर पहुंची है।